पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का समर्पण केवल योग के लिए नहीं है, केवल भारत की विद्या की परंपरा, यहाँ के मंत्र सिद्धांत और केवल यहाँ की ऋषि सत्ता या भारत के खोए हुए वैभव के प्रति नहीं है, वे लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, यहाँ की धरा अग्नि जलवायु निहारिका नक्षत्रों के लिए समर्पित हैं। वे चाहते हैं कि हिमालय की हरितिमा का रक्षण हो, यहाँ की पुण्य सलिलाओं का सातत्य, यहाँ की उन नदियों की अविरलता, निर्मलता, शुचिता, उनकी गतिशीलता, उनकी प्रवाह मानता सुरक्षित हो। वे खेत खलियानों के प्रति जैविक खेती लाकर यहाँ के पशुधन के प्रति, विशेषकर गाय जो विश्व की माता है, उस गाय के रक्षण संवर्धन पोषण के प्रति संकल्पित हैं। उनके द्वारा अब नए सन्यासियों का निर्माण हो रहा है, जिनके पास विद्या तप अध्ययन अनुभव के साथ साथ अपने राष्ट्र के मंगल कल्याण के लिए समर्पण है। तो एक हमारा सद्भाग्य ही है ये कि हमें पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज उपलब्ध हैं। उनके आसपास में जो एक भगवत्ता दिव्यता दिखाई देती है वो सब हमारे पास भी है, पर कभी कभी भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं। ये देश तो महापुरुषों का देश है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ये देश ऐसा ही है। यहाँ हर गोल मटोल कंकर को हमने शंकर माना है, यहाँ हमने जल को देवता माना है, अन्न को हम ब्रह्म मानने वाले प्राणी हैं, अतिथि को देवता मानने वाले प्राणी हैं, हमने इसे इस धरा को भगवत भारिया मानकर इसे लक्ष्मी माना है, हम इसे माँ कहते हैं। अभी पूज्य महाराज कह रहे थे माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये वेद का उद्घोष है, वेद ने कहा कि ये धरा माँ है, ये भगवत भारिया है, ये भगवत अंकशायिनी है, ये नारायण प्रिया है, जो ईश्वर है उसकी अर्धांगिनी है। और इस रूप में हम प्रार्थना भी करते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये विष्णु पत्नी है। और जैसे उनकी एक भारिया श्रीदेवी है, श्रीदेवी का अर्थ है जो ऐश्वर्य प्रदात्री है, वैभव प्रदात्री है, विद्यादायिनी है, जो ओज ऊर्जा शक्ति विभूति को प्रदान करने वाली है, वैसे ही ये भारिया है, ये धरा भी उनकी पत्नी है, विष्णु पत्नी, ये विष्णु की पत्नी है, इसलिए उन्होंने इसे प्रणाम करने के बाद कही। और सच यही है कि इस भूखंड को हमने माँ ही कहा है, वंदे मातरम, ये माँ कहकर इसकी उपासना की गई है, ये कोई भूखंड नहीं है, और पूरे संसार में एकमात्र ये धरा ही ऐसी है जिसे माँ कहा गया। तो उन्होंने माँ की वंदना की बात कही, पिता और आचार्य अथवा राष्ट्र को देवता की बात कही गई, वेदों में भी इस राष्ट्र को देव ही कहा गया है, ये देव है, इसकी प्रत्येक मृद कणिका रज कणिका, यहाँ का एक एक अन्न जल का कण, यहाँ की वनस्पतियाँ सब वंदनीय है, ये देश ऐसा है जिसने वृक्षों को देवता माना है। पूज्य महाराज जी के द्वारा अद्भुत सन्यासी पैदा किए जा रहे हैं, और कुछ वैसे ही सन्यासी जैसे वृक्ष अपना सब कुछ सौंप रहा है, ऐसे जैसे आदरणीय लोकायुक्त ने परोपकार की बात कही, तो कुछ ऐसे साधु वो दे रहे हैं। अभी जो एक नया उनका आयाम है वो योग का ही नहीं है, वो आर्थिक उन्नति का ही नहीं है, वे केवल जैविक खेती का अथवा स्वदेशी और स्वावलंब स्वाभिमान का ही नहीं है। मैं बहुत ही आदर के साथ ये आपको सूचना दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी वो इस भारत को सामर्थ्यवान सन्यासी प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सन्यासी जो जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की तरह से उसकी गंध छाल छाया वलकल हरितिमा सुगंध मकरंद उसका काष्ट उसकी आर्द्रता, अगर वृक्ष में आर्द्रता ना हो तो परजन्य कैसे आएंगे? वृक्ष की आर्द्रता तो परजन्यों को आमंत्रित करती है, वृक्ष ही तो हैं जो भूस्खलन को रोकते हैं, वही तो हैं जो प्राण पवन का संतुलन बनाते हैं, उन्हीं से तो वातावरण संतुलित रहता है।
इस धरती पर किसी का बड़ा उपकार है जो पूरी धरती और अंबर अग्नि जलवायु के संतुलन को बनाकर रखता है, अथवा जो पर्जन्यों को भी नियंत्रित करता है, अथवा जो धरा की गंध और अंबर की ओजोन आदि अनेक उन अज्ञात शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो वो वृक्ष ही है। और ऐसा ही साधु को वृक्ष कहा गया, चलता फिरता, वो भी स्थविर है, वो भी चलता फिरता एक प्रकार से तीर्थ है, जिसके लिए भी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे। तो उनका आने वाला जो एक प्रकल्प आयाम है, वो इस देश को सन्यासी दे रहे हैं। और ये सच है कि यहाँ की वर्ण व्यवस्था में, यहाँ की आश्रमीय व्यवस्था में सन्यास की बड़ी भूमिका है। जहाँ ब्रह्मचर्य की चर्चा यहाँ हुई, गृहस्थ और वानप्रस्थियों की यहाँ चर्चा की गई है शास्त्रों में, वहीं यहाँ सन्यास की भी चर्चा की गई है कि सन्यासी ऐसा ही हो, वो अग्नि जल वायु की तरह से प्राकृतिक हो, निर्दोष हो। तो कुछ आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही वे भारत को और लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सन्यासी प्रदान करने वाले हैं रामनवमी पर। तो ये बहुत ही सुखद घोषणा की जा रही है कि आने वाले दिनों में रामनवमी पर भारत को कुछ अद्भुत सन्यासी मिलेंगे, जिनके पास विद्या, विभूति, विनय, अध्ययन, अनुभव, समाधि और भारत की उस सैद्धांतिक निष्ठा को संभालने वाले। तो एक बहुत ही बड़ा उनका एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। इतने से समय में कोई एक कार्य कर सकता है, दो तीन चार कार्य किए जा सकते हैं, पर आज पूरे विश्व में स्वदेशी के प्रति स्वावलंब के भाव जगाने वाले, स्वाभिमान के प्रति गीत गाने वाला अगर कोई एक नवतीर्थ पैदा हुआ है, तो वो पातंजल योगपीठ और ऐसी अनेक योगपीठें पूरे देश में स्थापित हो रही हैं। मुझे एक छोटी सी बात कहनी थी, जो महाराज जी कह रहे थे अभी कि इस देश के उन्नयन, उत्कर्ष और अथवा इस देश की प्रगति में एक मूल है अर्थ का। तो बहुत बड़ा हमारा एक हिस्सा धन का विदेशों में जा रहा है, हम उन्हीं वस्तुओं के प्रति हम बड़े आकर्षित हैं, आज भी उनका सेवन कर रहे हैं। कई बार तो कुछ विदेशी वस्तुएं इस तरह से हमारे मनमानस पे छाई हैं कि उससे हम सम्मानित नहीं बल्कि सभ्रांत अभिजात्य अनुभव कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु हमारे पास नहीं होंगे, ब्रांड हमारे पास नहीं होंगे, तो हम सभ्रांत नहीं कहलाएंगे, अभिजात्य नहीं कहलाएंगे और समृद्ध नहीं कहलाएंगे। तो आज भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत बड़ा हिस्सा एक अभिजात्य वर्ग प्रयोग कर रहा है, अपने को सम्मानित अनुभव कर रहा है। तो पूज्य स्वामी जी के द्वारा एक बड़ा कार्य इस धरती पर हुआ है कि आज जो बड़े बड़े कुछ घराने और वे अभिजात्य तथा कथित सभ्रांत और बुद्धिजीवी जो ये कहते थे कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से हमारा बहुत अधिक आदर होगा, हमारे समुदाय और समूह में हम अभिजात्य कहलाएंगे, समृद्ध कहलाएंगे, वो मिथक, वो भ्रांत धारणाएं, ऐसी मूढ़ मान्यताएं जिसने तोड़ी हैं, जिसके आह्वान से प्रहार हुआ है व्यक्ति के भ्रम पर, ऐसा महापुरुष हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी के रूप में उपलब्ध है हमें। तो मेरा कुछ ऐसे भी घरानों में जाना हुआ जिन्होंने कहा कि महाराज हमारे भीतर में ये भाव पैदा हुआ कि ये जो लाखों रुपया हम अब तक वहाँ पहुँचा चुके हैं, ये केवल अपने भ्रम को हमने संभालने के लिए कि इन चीज़ों के प्रयोग से हम धनवान, महिमावान अथवा समृद्ध और अभिजात्य कहलाएंगे। तो पूज्य महाराज जी के द्वारा बड़ा कार्य हुआ है, उन्हें संबंध निभाना आता है, वे बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। वो पूज्य प्रताप पुरी जी के यहाँ चलकर केवल उनके सामान्य निमंत्रण अथवा उनके आग्रह पर नहीं आए, सच तो कुछ और ही है, वो यहाँ मैत्री निभाने के लिए आए, उन्हें मैत्री निभाना आता है। और ऐसे गुण केवल महापुरुषों में नहीं, देवताओं में देखे गए। मुझे एक छोटा सा एक श्लोक याद आता है भागवत का, उसमें ब्रह्मा ने ब्रजवासियों की वंदना करते हुए कहा, कह रहे ब्रजवासियों आप धन्य हो, आपके साथ ये परमात्मा संबंधों का निर्वहन कर रहा है। और कितना सामान्य हो गया, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे यदुवंशियो, ये अहीरों की टोली, ये किला किरात कोल भील वनवासी और ये सामान्य पशुपालक और कृषक, ये सामान्य जो हैं प्राणी और ये यदुवंशी, इनके बीच में स्वयं परमात्मा आया है और उसे संबंध निभाने आते हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम,
नंद गोप ब्रजोक्षाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। और ये मैत्री निभाना, संबंधों को निभाना केवल बड़े महापुरुषों को ही आता है, ये केवल नारायण को ही आता है। इसे वो सखू के सेवक बन गए, वो कुबजा के साथ संबंध निभाने चले गए। और अगर द्वारिकाधीश के यहाँ द्वार पर हम देखें तो सुदामा का किस ढंग से आदर हुआ कि उन्होंने कैसे सुदामा के साथ संबंध निभाए, उसे सिंहासन पर बिठाया। उस दृष्टि से हमारे प्रतापपुरी जी सुदामा नहीं है, पर यह सच है कि वो संबंध निभाने के लिए यहाँ पर आए और बड़े तेजस्वी विद्वान योगी महापुरुष हैं। तो अपने मित्र के यहाँ अथवा अपने संबंधियों के यहाँ, अपनों के बीच में उनका आगमन, और एक संबंध उनका संत का तो है ही, यति संबंध तो है ही सन्यासियों का। ये सच है कि आज उनका समय लेना बड़ा कठिन है, उनकी व्यस्तताएं, उनके आसपास उनका प्रबंधन संगठन का कौशल, अथवा जिस तरह से उनके एक R&D वर्क चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिस तरह से शोध अनुसंधान गवेषणा के कार्य उनके यहाँ चल रहे हैं, नित नई वहाँ योजनाएं और भाग्य, भारत के भाग्योदय के लिए, राष्ट्रोदय के लिए, राष्ट्र के उन्नयन उत्कर्ष के लिए जिस ढंग से उनके यहाँ बड़े आयोजन चल रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। उस दृष्टि से भी उनका यह आगमन इस बात का परिचायक है कि वे बहुत सामान्य होकर भी रहना चाहते हैं। और यह गुण देवताओं का ही होता है, वो पवन प्रकाश अन्न और ऐसे औषधि बनकर रहते हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में अनेक महापुरुष यहाँ बैठे हैं, ये सब जूना खाड़ा के महात्मा मेरी शान हैं, ये मेरी निधि हैं, ये मेरी संपदा हैं, ये सब मेरी फौज है, सेनापति हैं हमारे। एक एक ये साधु सैनिक जैसा है, ये गिरी कंदराओं में हूँ, पत्तिकाओं में, ग्राम वन प्रांतर कुटीर मठ मंदिरों में किस तरह से अलख जगा रहे हैं, इन साधुओं को देखकर मैं आनंदित हूँ। एक से एक सिद्ध पुरुष यहाँ बैठा है और बहुत से महात्मा तो नीचे बैठे हैं। ये साधु ही ऐसा कर सकता है कि अपनी सिद्धि शक्ति विभूति विद्या और जो उसके पास में एक अलौकिक आभा है अथवा ईश्वरीय गुण है उसका वो गोपन करना जानता है। ये साधु के ही तो लक्षण है कि वो अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, उसके पास जो अपूर्व और दैवीय सामर्थ्य है, जो कुछ उसमें भगवदीय ऊर्जा और वैसा कि एक नई सृष्टि की रचना कर सके, तो ऐसे सामर्थ्य इन सब महात्माओं में है। पर कितने विनम्र होकर बैठे हैं, कितने शांत होकर बैठे हैं, ये साधु का ही स्वभाव ऐसा होता है। तरह तरह मठ में अनेक कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं और विशेषकर लोकोपयोगी कार्य समाज के लिए वो यहाँ अनुसंधान के कार्य कर रहे हैं, गुरुकुल की उन्होंने घोषणा की है, अथवा आज नशा मुक्ति केंद्र का भी आज ही भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है, ये बड़ी बात है। कुछ मुझे यहाँ के शब्दों का पता नहीं वो क्या है, वो मनोहार है क्या है और बहुत सी कई चीज़ें जिसमें कुछ और तरह की भी चीज़ें हैं, अमल है या क्या है, तो भैया ध्यान रखना उसे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो उस सब के लिए भी महाराज जी का यहाँ कई तरीके के यहाँ प्रकल्प हैं। पर मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने केवल तन का ही रोग नहीं ठीक किया है हमारा, इस देश के आर्थिक रोग को भी उन्होंने ठीक किया है। ये जो कुछ भी आज चीज़ें दिखाई दे रही हैं व्यवस्थाओं में, कुछ अच्छे दिनों की कल्पना की गई या अच्छे दिनों का अनुभव किया गया, व्यवस्था में एक परिवर्तन अथवा जो कुछ एक वैसा कुछ वातावरण देश में दिखाई दे रहा है, उसकी हुंकार जिसने भरी, उसका संकल्प जिसने किया, उसके सपने जिसने देखे, उसकी रचना जिसने की, उस रचना को साकार करने के लिए जिसने रणनीति बनाई, ऐसे चाणक्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त, पुलह पुलस्थ, पतंजलि को हम अपने रूप में स्वामी रामदेव जी के रूप में देख रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तरह तरह मठ की उन्नति के लिए, वो यहाँ संस्कार जागरण का केंद्र बने, वो यहाँ से सनातन संस्कृति, हिंदू वैदिक और आर्य वैदिक धर्म संस्कृति की संवेदनाओं के रक्षण का सामर्थ्यवान केंद्र बने, ऐसी बहुत सी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विशेषकर ये जूना अखाड़ा और मेरे अलग 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 अखाड़ों के जो साधु यहाँ बैठे हैं, जो मुझे प्राय कुंभ में ही देखने को मिलते हैं, तो मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि एक अभिनव कुंभ जैसा ही है। तो अपने साधुओं के दर्शन करके
आप सबके बीच पहुंचकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रपंक्ति में जितने ये महापुरुष बैठे हैं, ये सामान्य मठाधीश नहीं है, ये सब बड़े बड़े मठों के मठाधीश यहाँ विद्यमान हैं, तो उनके भी चरण यहाँ आए, उनकी संगति सन्निधि, उनका सानिध्य, उनकी नैकट्यता निसंदेह हमारा कल्याण करेगी। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और परशुराम गिरी जी जैसे हमारे पास विद्वान संत हैं, कुछ लोग कहते हैं अखाड़े महाराज जी कैसे हैं, तो मैंने कहा भैया अखाड़ा तो समंदर है, सारी नदियाँ उसमें सब आती हैं अपना सब स्वरूप विसर्जित करने, पर ये एक अखाड़े का ये भी रूप है कि जहाँ प्रतापपुर जी हमारे पास महात्मा हैं, अथवा परशुराम गिरी जी जैसे हमारे महात्मा हैं, या यहाँ ये 16 सरकार बैठी है सामने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, और मेरी ऐसी इच्छा है कि प्रतापपुर जी थोड़ी देर के लिए हमारे पास यहाँ आए एक पल के लिए, और उनका हम पूज्य स्वामी जी, मैं और हम सब सारे साधु समाज की ओर से उनका अभिनंदन करेंगे। एक छोटा सा मैं और बात कह रहा था कि ये सच है कि जूना अखाड़े का मैं आचार्य हूँ, पर भारत में एक आचार्य सभा भी है जिसमें सभी मतपंथों के आचार्य, केवल आचार्य ही, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, उसके केवल आचार्य ही उसके सदस्य हैं, हिंदू धर्माचार्य सभा जो 10-15 साल पहले बनी थी। आपको सुनकर बहुत आनंद होगा कि उस आचार्य सभा ने पूज्य रामदेव जी महाराज को अपना निदेशक बनाया है, वो हमारे डायरेक्टर भी हैं। तो मैं आचार्य सभा की ओर से भी प्रतापपुर जी महाराज का अभिनंदन करना चाहूँगा, और हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज भी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और पूज्य आचार्य श्री ने, पूज्य रामदेव जी महाराज ने जो उद्गार भाव हमारे पूज्य प्रतापपुरी जी के लिए प्रकट किए हैं कि आप अग्रगण्य भूमिका निभाइए नशा मुक्ति की, शिक्षा की, संस्कार की, गुरुकुल की, और ऐसे आचार्य श्रीयों का आशीर्वाद रहेगा तो हमें पूर्ण विश्वास है ये तारा तारा धाम दिव्य तो है ही और भी दिव्य बन जाएगा। एक बार देखो, ये देखने में ऐसे, मतलब अभी तो सारे बाल काले ही है, इनके मारे भी थोड़े से धोड़े हो गए। ये साधारण महात्मा नहीं है, ये हमारे मोहनपुरी जी आदि महात्माओं का जो सारा तप और पुण्य है उन्हीं का ही प्रतिरूप। एक बार जोरदार भेनन महाराज जगदीशपुरी जी का, डूंगरा शो परमेश्वरा जगरामपुरी महाराज, जगरामपुरी जी महाराज, पूज्य जगरामपुरी जी महाराज, आ जाओ आ जाओ, पूज्य मगनपुरी जी महाराज, पूज्य मगनपुरी जी महाराज, ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और इन सब महापुरुषों के लिए एक बार जोरदार ताली बड़े ठाड़े महाराज। इन सब महापुरुषों को हम भी माथा टिका लेते महाराज। जय हमारा, जय हो। दुर्लभम त्रयमेवे तद दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषस्य संश्रया। ऐसे महापुरुषों का संशय का जो समन्वय यहाँ हो रहा है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां है हमारे सब महापुरुषों के लिए। और आज एक और विशेषता, हमारे पूज्य रामदेव जी आज मारवाड़ी बोल रहे हैं, एक बार पूज्य रामदेव जी के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। अरे भाई, हमारी माता जी मारवाड़ रही है। तुम्हारा मामा लागो, हूँ तो संसारी सन्यासी हो गया, कोई बात ना। सब महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब महापुरुष आज इस ऐतिहासिक घड़ी में, और हमारे हमारे सपने और कल्पना को साकार करने के लिए ऐसे देव दिव्य मूर्तियां महापुरुष पधारे, उनके बीच में हम सब लोग उपस्थित होकर के एक ऐसा लग रहा सपना साकार हो रहा है और हुआ है। ऐसे दिव्य परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरिजी बाप जी के चरणों में वंदन करते हुए, परम पूज्य हमारे मार्गदर्शक योगीराज योग ऋषि श्रद्धेय रामदेव जी बाप जी के चरणों में वंदन करते हुए, सभी संतों को मेरे हृदय की गहराई से मैं ओम नमो नारायण करता हूँ। और ये जो कृपा आपने की है, इससे हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक धर्म की जागृति, संस्कृति की जागृति और हिंदुत्व और राष्ट्र की जो जागृति की लहर चली है वो अनवरत चलती रहेगी। तारात्रा मठ के अंदर पुनः आपको सादर निमंत्रण देता हूँ कि आप जैसे महापुरुषों के कर कमलों से शीघ्र ही हम आयुर्वेद चिकित्सालय
और आवासीय गुरुकुल का भी शिलान्यास करवाएंगे। पुनः पधारना, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भारत माता की जय हो, गौ माता की।